सबिना आड़ोती के कबरा में आप सभी को स्वागत है। और आज मैं आपने ले आया जा जाड़ोता ग्राम में जहाँ भगवान देवनारायण की पूजा पाठ करी जाओ छे। आज वहाँ को दिन छे, शनिवार छे। आज शनिवार के दिन वहाँ की पूजा पाठ और यहाँ दूर दूर से पूरा 12 जिला के अंदर स्थित छे। यो 12 जिला से पूरा 12 जिला से यहाँ दूर दूर से यात्री आओ छे। अपनी अपनी जो भी समस्या छे वहाँ को समाधान काढ़वा भगवान के अर्जी लगावा, देवनारायण भगवान के अर्जी लगावा। यहाँ दूर दूर से खूब सारा यात्री आओ छे। तो आप न मु ले चालू मंदिर के आड़ी लेर चालू आप ही। और यहाँ ऐसी मान्यता छे कि यहाँ जे भीतर जो कुंड बने हो छे वो कुंड में जो पानी छे वो पानी से अपना चर्म रोग, दाँत खाज खुजली जो भी चर्म रोग होता होगा वो सारा देवनारायण की कृपा से वो पानी का सेवन से वो बीमारियां अपनी दूर हो जाए। तो लो मु आप ही यात्रा कराऊं आज देवनारायण भगवान की आड़ोती की खबर आपनी आड़ोती और आपनी खबर में आप सभी को स्वागत है। लो आओ साहब दर्शक और श्रद्धालु सभी आप दिखाऊंगा। भाई साहब आज आप कहाँ से आए जे? चीकली से। चीकली कहाँ से पड़े जी? कानपुर के पास। कानपुर के पास। तो आज आप कैसे यहाँ देवनारायण के यहाँ डोक लगा पाए जे? कहीं कहीं मन्नत ले रहे थे आप? दर्शन करवाया जे। दर्शन करवाया जे। और कब से आप यहाँ आ रहे थे? कितना टाइम हो गया आपने यहाँ आता था? लगभग मां तो जन्म से आ रहे थे। जन्म से ही आ रहे थे। तो यहाँ की काई मान्यता से आप मैं बताओगा थोड़ी घनी? जे भी यहाँ की मान्यता कोई सोच रहा हो जे ना, कोई दुख हो रही जे, कोई फोड़ा पुंसी रह जे, कोई दाँत खाज खुजली हो रही जे। भगवान सबका मतलब चरम रोग जैसी भी प्रकार का जे। मित्रों आपन बड़ा बड़ा डॉक्टर से इलाज करा करार परेशान हो जाऊं जा फिर भी इलाज न हो पावे। तो आपने जो सारे श्रद्धालु छे जहाँ की श्रद्धा छे कि देवनारायण भगवान के यहाँ जो कुंड बने रहो छे वो कुंड में आपन स्नान करा और स्नान कर अपनी जो चरम रोग छे वही मिटावा। आप कहाँ से आए थे भाई साहब? देवपुरा। देवपुरा गोलियाखेड़ी देवपुरा। ये भाई साहब श्रीमान जी देवपुरा गोलियाखेड़ी से आया से मैं यहाँ से जानकारी लेवा ये कैसे आया से? बरसा ताई बरसा पहले से आ रहे जा मां तो बरसा पहले से आ रहे जा को कोई पूछो का काफी समय से या काफी समय से आ रहे जा और भगवान के ऐसे सिम कृपा जी यहां तो जो मतलब खोड़िया का खोड़ जड़ जाओ जी। अच्छा खोड़िया का भी खोड़ जड़ जाओ जो मतलब बड़ो से बड़ो कठोर से आस्था लेकर आओ यहां भगवान का। अच्छा तो जरूर मतलब कछु भी काम हो भारी से भारी काम जरूर हो जो मतलब। अच्छा हो जे तो लुमू आप भी लेर चालू अब आगे। ये देखो फूल माला की दुकान सब ये सज रही है। देखो साहब काका जी यो जो देवनारायण जी को मेलो चाहिए आप माला वगैरह बेचे थे तो हर शनिवार नहीं मेला टाइप ही लागे जी? मेला टाइप मेलो लागे जी। हाँ मेला हर साल शनिवार हर शनिवार नहीं शनिवार के शनिवार पूरा। मित्रों यह सबसे बड़ी रोचक जानकारी का हर 8 दिन में जो शनिवार आओ जे देवनारायण जी को बार उमा हर शनिवार ने यहाँ एक मेलो लागे जी। आप ही आगे ले चालू आओ साहब। देवनारायण भगवान की। यह देखो आपने ये गाड़ियां गाड़ियां की कितनी सारी गाड़ियां यहाँ प्रांगण में दिखाओ साहब अटी दिखाओ। और ये गाड़ियां से खचाखच भरे हुए छे पूरो मैदान यहाँ को मंदिर परिसर जे भी छे जो पूरो खचाखच भरे हुए छे गाड़ियां से। और आप ही मुँह आगे ले चालू कुंड के गाड़ी अपन चल रहे थे आओ। यह मंदिर परिसर में अपनी एंट्री होगी साहब। अब आप ही मुँह कुंड दिखाऊं जो जहाँ सभी सभी लोग स्नान करे जे अपना अपना चर्म रोग दूर करवा कारण आओ साहब। यो अब आगे यो देवनारायण भगवान को कुंड और अपन मुँह आप ही कुंड की संरचना डिजाइन वगैरह जे भी से जे मुँह दिखाऊं जो आप ही। यो देवनारायण भगवान को कुंड जी मैं आज सभी श्रद्धालु यात्री जितना भी आया जे ये सब दर्शन करेगा साहब। इमा स्नान करवा कारण यो नीचे नीचे यो पानी भरे हुए छे। यो देखो आप ई पानी से ना बस जितना भी चरम रोग से संबंधित बीमारियां चमड़ी से संबंधित बीमारियां ये सारी ई पानी का स्नान से दूर हो जाओ छे ऐसी मान्यता छे भगवान देवनारायण की। ये सब यहाँ ये कुंड का पानी से स्नान कर रहे थे दूर दूर से आया थे। भाई साहब आप कहाँ से आया जो? बिछाड़स से। बिछाड़स से। ये भाई साहब पास में एक गांव से बिछाड़स जहाँ से पधारे थे और ये देवनारायण भगवान का सेवक थे यहाँ यात्रियों ने स्नान करा रहे थे पानी से।
और आप ही दिखाऊं मु यहाँ से पूछू भाई साहब, यो जो अपना कुंड छे इको पानी से स्नान कर रहा चाहिए तो यहाँ की कई श्रद्धा ले ले रहा है, ये श्रद्धा ले रहा है न्यास अपने आप से ना सभी चरम रोग से सब दूर हो जाओ छे, न्याय की बढ़िया मान्यता छे, लोग बगा के बढ़िया श्रद्धा जाके प्रति। अच्छा, और यो हर शनिवार नहीं मतलब यहाँ यो ये टाइप को मेलो लागे छे, इतना ये यात्री खूब दिख रहे छे हर शनिवार ने, ये इस भी ज्यादा व्यक्ति आउ छे यहाँ पर, बहुत यात्री आउ छे। अच्छा, तो आप हर शनिवार ने यहाँ सेवा देव छो सबके ताई बाल्टियां से नुआव छो? हां जी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई साहब, आओ आप ही मु हटी माता बण्या का हटी ले चलू। ये देखो साहब हटी माता बण्या भी अपनी ये कुंड का पानी से स्नान करवा आई छे, आपने श्रद्धा ले रही छे सब। आप कहाँ से आया जे, आप कैसे गाँव से? राउत बाटा तो घनी दूर से कोटा के पलाटी। ये देखो साहब इतनी दूर से यहाँ की मन्नता मान्यता जे भी यहाँ की इच्छा होगी जे उसके कारण ये राउत बाटा से आया जे साहब। ये सभी यात्री स्नान कर रहे थे, भाई साहब आप हर शनिवार ना यहाँ कतना के यात्री आओ छे, कितनी दूर दूर से यात्री आ रहे थे यहाँ? बहुत दूर दूर से आते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ रहती है, हजारों की संख्या में। ये देखो माता बहने बच्चा सब, ये देखो छोटे छोटे बच्चा स्नान कर रहे थे यहाँ आज दरबार में देवनारायण जी के खानपुर से। ये नजदीकी पास में खानपुर मतलब कबा को मतलब जो आपने एरिया का जितना भी जो बारह जिला का और बड़ा दूर दूर से यात्री यहाँ ना आ रहे थे, आप सबने मुझे दिखाऊं। अब आपन चलेंगे मंदिर के आड़ी, मंदिर में कहीं पूजा पाठ हो जाए कहीं छे वहाँ की व्यवस्था मैं आप ही दिखाऊं जो आओ बात करूँ जो एक और श्रद्धालु से। आप कहाँ से पधारे थे भाई साहब? मैं अटरू गायत्री नगर से आया हूँ। अटरू गायत्री नगर से, ये भाई साहब आपको शुभ नाम? ओम प्रकाश प्रजापति। ओम प्रकाश जी प्रजापति, ये अटरू गायत्री नगर से पधारे थे, आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं या पहली बार आए थे? नहीं, काफी समय से आ रहा हूँ यहाँ को, खब हो जो ये काफी समय से आ रहे थे यहाँ जो देवनारायण भगवान की जो कहीं मान्यता थी यहाँ लोगों की मान्यता है कि जो भी रोग होते हैं कुष्ठ रोग जो त्वचा से संबंधित रोग है उनके निवारण के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, तो 5 बार 7 बार आके स्नान करने से उन रोगों की समाप्ति हो जाती है। भाई साहब को खबर जो है यहाँ देवनारायण भगवान के जो कुंड छे इसमें स्नान करवा सू, कोई 5 से 7 बार कोई 6 से 7 बार स्नान करवा से आपने जो भी चरम रोग छे वो सारा रोग दूर हो जाओ, यहाँ की यह बहुत बड़ी मान्यता छे। मैं आप ही आगे ले चलू, आओ यो देवनारायण जी भगवान का मंदिर का सोड़े ही माँ काल जी को शिव जी को मंदिर से इका भी आप दर्शन करो और मु आप ही आगे ले चालू जो। आप कहाँ से आए थे? पीपलिया घाटा से। ये कहाँ से जी हो? जो छिपाबड़ो तहसील। छिपाबड़ो तहसील, देखो आप कितनी दूर दूर से यात्री अपने दुख दर्द यहाँ लेर भगवान का आचरण में भगवान की छाया में आज आया थे स्नान करवा, आप कब से आ रहे थे आप यहाँ? बड़ी साथ है बादवा की साथ आ रहा हूँ। बादवा की साथ से ये हर शनिवार यहाँ ढोक लगावा हाजरी लगावा देवनारायण भगवान का मंदिर में हाजरी लगावा आ रहे थे साहब, और मु आप और लोगों से मिलाऊं तो आप ही आओ। बोल देवनारायण भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। आज मां शनिवार ने यो मंदिर को दर्शन करवा हाड़ोती की न्यूज हाड़ोती की खबर में आप सभी को स्वागत है, आप ही लाए छू आज देवनारायण मंदिर में। यो कैमरा घुमाओ साहब, कितना सारा यात्री यहाँ दूर दूर से आज दर्शन करवा आया है और ये अपनी अपनी सबकी अलग अलग मान्यता ले रहा है। माँ श्रीमान पंडित जी से आप 2 शब्द मैं पूछूंगा, यहाँ हर शनिवार यो ऐसा कोई माहौल रहता है? हाँ सही माहौल रहता है। और यो काई मतलब काई मान्यता से आपने यहाँ मंदिर की पाती की माला की मान्यता है? पाती यहाँ पाती उतारी जाओ जब पाती किसी प्रकार की सभी काम की जी को जो भी काम नो रहे हो कर रहे हो वो अपना गर्ण सु पाती ले रहा हो और पाती लेर यहाँ भगवान का चरणामा अर्पित करो, फिर उनके बाद पूजा पाठ के बाद आप ही यह पाती दी जाओगी साहब, और ये पाती दया के बाद आपका काम सारा काम जो भी आपने सोचा था वो सब काम सिद्ध होगा। एक बार फिर देवनारायण भगवान की बोल साचे दरबार की। भाई साहब आप कहाँ से आए थे, इतनी सारी भीड़ से कहीं से आप कहीं लेर मान्यता ले रहा है? कवाई से आया हूँ। कवाई से आया थे?
और कैसे आप दो तीन बार आए थे कि पहली बार आए थे? सात शनिवार हो गया। सात शनिवार हो गया। हाँ जी भाई, आप कहाँ से आए थे? कवाई से। आप कितनी बार आ गए यहाँ? सात बार। तो सभी दर्शक जब भी पूछ रहे जो ना कोई भी एक एक आध बारी से ना हो सब पाँच अंतारूपुरा। देखो कितनी दूर दूर से यात्री आए थे सब। आप कहाँ से? मंदसौर से। मंदसौर कहाँ से जी हो? मंदसौर। मंदसौर, मंदसौर जिला एमपी। देखो आप कितने हजारों किलोमीटर से पब्लिक आज यहाँ देवनारायण भगवान का दर्शन करवा आई है। और यह वीडियो आप ही सिर्फ और सिर्फ हड़ौती की खबर अपनी हड़ौती अपनी खबर चैनल पर दिखाई जाओगी साहब। और मैं आप ही आगे ले चलूँ। अब ये देखो खचाखच भीड़। बाबा साहब आप कहाँ से आया जे? कवाई सालपुरा। तो मतलब नजदीक का मनक तो कोई भी न चूक रहा, पर दूरे दूरे ताई मध्य प्रदेश मंदसौर जिला ताई का मनक अपनी यहाँ आज दिख रहे थे। और यह बहुत बड़ी बात है अपना। आओ मु आप ही आगे ले चलू। बाबा साहब आप कै साल से यो बजा रहे थे दरबार में? यहाँ माँ का डोगरा जी और के साल हो गया लगभग आपने यहाँ मंदिर में सेवा देता? और ये सेवा देता था मारती या उम्र ही होगी साहब। कितनी उम्र होगी आपकी? मारी है होगी साठ। ये बाबा साहब को कब हो कि जब से मुँह पैदा हुए जो जब से मुँह यहाँ मंदिर में दरबार में यहाँ आज भी दे रहे और मुँह मारो काम देगा। आप कहीं यहाँ का भजन एक भजन सुना बता दो। लो साहब भजन को आनंद लीजो खबरा में। फुला में तेरी सती साधु की खेला गोई दी मैं। बोल देवनारायण भगवान की जय। ये भजन को थोड़ा सा मतलब समझाओ। आप तो समझ रहे थे पर ये भी थोड़ा सा समझाओ। बाजरे सुना कहा थाले रे नारायण थारे बाजे सोना का ये थैली हुंदी रे हुंदी नो पाती सीधी खेड़ा बाई दीरी। कहाँ से आए जो आप? छिपा बड़ोद। ये देखो श्रद्धालु छिपा बड़ोद से। फिर देखो आप बराबर एंट्री हो रही है 12 जिला से। पूरा 12 जिला से दर्शक आ रहे थे साहब दर्शन करवा अपनी अपनी मन्नता ले आए थे। आप कहाँ से आए थे यहाँ दर्शन करवा? आरा से। तो यहाँ कहीं लाडू बाटी की रसोई ले रहे थे? कैसे आए थे? दर्शन करवा आए थे। मित्रों यहाँ बड़ी बड़ी रसोईयां भी अपनी देखवा में मिले थे। आप कहाँ से आए थे बेटा? बारह से। ये भी 12 से आए। देखो आप 12 जिला के पूरे श्रद्धालु आपको यहाँ दिखाई देंगे साहब। काउंटर की व्यवस्था है जी भी श्रद्धालु ना जे भी व्यवस्था आपने आड़ीसू दान धर्म करनो वो यहाँ समिति का सदस्य बैठे हुआ है कमेटी का सदस्य बैठे हुआ है यहाँ। आपनो दान धर्म गुप्त दान या रसीद का माध्यम से कटा सका था यहाँ। कब से आप यहाँ छो? तो 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से भाई साहब पधार रहे थे अपना अपना गाँव से। आगे आप ही मुँह ले चलो। लियो आप ही मुँह मंदिर की परिक्रमा करा दू। आओ या परिक्रमा अटीसू यहाँ से चालू हो जाओगी मंदिर की। आपन फली उठीसू फर आ गया। अब आप ही मंदिर की परिक्रमा पूरी कराऊं छू। यह भगवान देवनारायण का मंदिर की परिक्रमा पूरी हो रही है। और यो देखो आप ही यो यहाँ चढ़ा हुआ आओ छू। हर शनिवार नहीं आओ छू नहीं सीधो हर शनिवार ही सीधो आओ छू। आप कितना टाइम से यहाँ भगवान की सेवा में लाग रहे थे? अच्छा ये मतलब यहाँ की पीढ़िया गुजर गई मंदिर में सेवा करता करता पीढ़िया गुजर गई। और आप ही दिखा रहे थे माँ हड़ौती न्यूज चैनल का माध्यम से यह परिक्रमा से। आओ आप ही मुझे दिखाओ वहाँ से। We'll be right back.
देवनारायण का मंदिर में हार बहुत बढ़िया लागू छे। दूर दूर से यात्री आए छे, बड़ी बड़ी मन्नता ले रहे छे, सबकी मन्नता पूरी हुई छे। तो आप सभी खबर को आनंद लीजो, इन्हें लाइक करजो, शेयर करजो और कमेंट करजो। आपके लेकर नई नई रोचक खबर, नया नया दर्शन माँ आड़ोती चैनल का, आड़ोती की खबर चैनल का माध्यम से आप ही दिखाता रहेंगे मित्रों। तब तक लेकर राम राम।